मैं एम पटेल आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन सेशन में बदलाव की प्रक्रिया, बदलाव से किस तरह से निपटना, बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को किस तरह से सफल बनाना। बदलाव से निपटने के लिए सबसे पहली चीज है अपने आप को बदलाव के अनुरूप ढालना, अपनी मानसिकता को बदलना। और आज हम बदलने के इम्प्रूवमेंट के तीन स्टेप्स की बात करेंगे। तीन स्टेप्स हैं, जानना, मानना और करना। थ्री स्टेप्स आर अवेयरनेस, एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। मुझे मेरे में बदलाव करने हैं, मुझे मेरी स्किल को इम्प्रूव करना है, ये जानना बहुत आसान है। इनफैक्ट आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, जानना मुश्किल नहीं है। जानने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करने पड़ते, थोड़े प्रयत्न करते हैं हम जान जाते हैं। मुसीबत आती है दूसरे स्टेप में, मानने में। मुझे इस क्षेत्र में इंप्रूव करना है, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। मुझे यहां पर चेंज चाहिए, ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी कोशिश की, जानने से थोड़ी ज्यादा, तो हम मान भी लेते हैं। यदि हम दूसरों के सामने नहीं माने, अंदर में तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में बदलाव चाहिए, इस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इस स्किल में मेरी कमी है, मुझे इस स्किल को बढ़ाना है। ये मानना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना मुश्किल थोड़ा है, लेकिन हम मान भी लेते हैं। मानने के बाद सबसे मुश्किल स्टेप, तीसरा और फाइनल स्टेप आता है, एक्शन लेना, काम करना। यहां पर बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारे लोग बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा एक्शन लेते हैं, थोड़े समय तक एक्शन लेते हैं, बाद में फिर बंद कर देते हैं। बहुत थोड़े लोग एक्शन कंटिन्यूअसली लेते हैं, एक्शन की कंसिस्टेंसी रखते हैं, लगातार काम करते हैं, जब तक बदलाव पूरा का पूरा नहीं आए, जब तक बदलाव के लाभ उनको नहीं मिले। उदाहरण के तौर पर लोग आते हैं मेरे पास, सर इंग्लिश बोलना सीखना है। मैं कहता हूं 3 महीना इंग्लिश सुनो, न्यूज सुनो, ऑडियो सुनो, इंडियन ऑथर के सुनो, भारतीय उच्चारण में जो लोग बोलते हैं उनके सुनो। तो लोग कहते हैं सर 3 महीना सुनना पड़ेगा क्या? मैं बोलता हूं हाँ सुनना पड़ेगा। सुनने से तुमको लैंग्वेज की पकड़ थोड़ी सी आएगी, जान जाते हैं सही चीज है सुनना, मान भी लेते हैं सर इंग्लिश सीखना है तो सुनना जरूरी है। लेकिन 100 में से 5% लोग 3 महीना एवरीडे प्रतिदिन 15 मिनट इंग्लिश सुनने को लगाते हैं, बाकी 95% बैक टू पेविलियन, जहां थे वहां खड़े हो जाते हैं। जानना आसान है, बहुत कम प्रयत्न लगते हैं। मानना थोड़े मानसिक प्रयत्न लगते हैं। जानना और मानना दोनों मानसिक प्रक्रियाएं हैं। करना मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाएं हैं। जानना और मानना समय नहीं लेता, करना समय लेता है। मैं यहां एक चीज बोलूंगा, यदि मुझे बरसात चाहिए तो मुझे कीचड़ झेलना पड़ेगा, कीचड़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिना कीचड़ को बर्दाश्त किए मैं बरसात कैसे ला सकता हूं? बिना कठिनाइयां झेले मैं काम को पूरा कैसे कर सकता हूं? बिना समय लगाए, बिना समय इन्वेस्ट किए मैं किसी भी काम को शुरू, किसी भी काम को कंटिन्यू कैसे कर सकता हूं? संभव नहीं है। जो लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं कहता हूं आपके पास कार चलाने का वक्त है तो पेट्रोल भरने का भी वक्त होना चाहिए।
स्टीफन कोवे ने कहा सेवन हैबिट्स में एक हैबिट है इनफैक्ट, और सातवीं हैबिट है कीप ऑन शार्पनिंग योर सॉ। आप यदि लकड़ी काटते हो तो लकड़ी काटने का औजार हमेशा आपने शार्प करना पड़ेगा। हम लकड़ी काटते चले गए बिना औजार को शार्प किए, बिना औजार की धार बनाए, औजार की धार जाएगी। हम ज्यादा मेहनत करेंगे, काम कम होगा। बदलाव लाना है तो जानना और मानना जरूरी है, लेकिन बिना किए, बिना एक्शन के जानना और मानना अर्थहीन है। जानने और मानने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो चलिए कमर कसते हैं, वी टाइटन आर बेल्ट एंड रन ऑन आर टोस। अगले डिस्कशन सेशन में फिर मिलते हैं। मैं आपसे इस विषय पर कभी भी डिस्कस करना चाहूंगा, मेल से या फोन से कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।